हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें गर्मी बहुत पड़ रही है और उसमें फ्रिज का पानी अक्सर लाइट भी चली जाती है, इतना ठंडा भी नहीं हो पाता क्योंकि फ्रिज में काफ़ी और भी सामान होता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, दूध वगैरह हो गया, तो ठंडा कम हो पाता है, बोतल बार बार निकलती है। इसलिए घड़े में इतना ठंडा हम पानी कर दें कि फ्रिज से भी ठंडा हो जाए, इसके लिए हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए हैं। आप देखिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर आप कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी। फ्रिज का पानी ठंडा बहुत हो जाता है, और लेकिन अगर वो प्यास भी बुझाता है और लेकिन नुकसान बहुत करता है। और उसी जगह अगर आप ये घड़े का ठंडा पानी पियेंगे तो ये भी प्यास बुझाएगा और नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। मटके में आप याद रखें कि मटके के अंदर हाथ डाल के आप मटके को कभी भी ना धोएं, क्योंकि मटके के अंदर छोटे छोटे पोर होते हैं और वो पोर बंद हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे मटके का पानी ठंडा होना बंद हो जाता है। ये देखिए, जब भी आप मटका नया बाहर से लेकर आए तो ये कॉटन के कपड़े से अंदर हल्का सा साफ कर दें, क्योंकि उसमें डस्ट होती है, और उसके बाद आप पानी से 5-6 बार अच्छे से धो सकते हैं, लेकिन हाथ नहीं डाल के धोना है। जब आप बाजार से मटका लाएंगे तो कपड़े से पोंछ लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, आधा चम्मच के करीब घर में जो आप नमक इस्तेमाल करते हैं वो डाल देंगे, और इसी में 1 से 2 चम्मच गुलाब जल, आप कोई भी कंपनी का गुलाब जल ले सकते हैं, वो डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच तक। इसमें हमने गुलाब जल और नमक डाल दिया, अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास सादा पानी, और इसको हम अच्छे से ऐसे चारों तरफ से हिला देंगे ताकि एक एक उसमें पोर में नमक गुलाब जल चला जाए, नमक से इसके छेद बंद नहीं होंगे और गुलाब जल की महक पानी पियेंगे तो हम उसमें बहुत अच्छी आएगी। इसको एक एक अच्छे से चारों तरफ से हिला देंगे इसको। ये देखिए, इसको हम 1 से 2 मिनट तक हमने रख दिया, नींबू, ये नमक, गुलाब जल और इसका पानी, ताकि अच्छे से इसकी सुगंध इसमें हो जाए। और अब इसका पानी हम निकाल देंगे, हाथ बिल्कुल नहीं अंदर डालना है, और इस तरह अगर आप करेंगे, इस तरह अगर आप प्रोसेसर करेंगे तो आपका पानी पूरी गर्मी, चाहे जितनी मर्जी भीषण गर्मी हो, पानी एकदम ठंडा बना रहेगा भीषण गर्मी में भी। अब इसको हम अच्छे से धो देंगे। पांच से छह बार, 10 बार, आप जितनी बार मर्जी अच्छे से धोइए, लेकिन आपको पानी से धोना है, अंदर हाथ नहीं डालना, बस ऐसे हिला के गिरा देना पानी। आप ऐसे 5 से 6 बार अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप अंदर हाथ डालेंगे तो पानी ठंडा नहीं होता है। क्योंकि घड़ा हमारा धुल चुका है, हमने इसमें मिट्टी का ये बाउल टाइप का लिया है, आप इसकी जगह प्लास्टिक का, स्टील का या किसी भी चीज़ का बर्तन आप ले सकते हैं। इसको हम ऐसे रख देंगे, इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे। और मिट्टी में हम थोड़ा सा छिड़काव कर देंगे, थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर देंगे ताकि मिट्टी हमारी अच्छे से गीली हो जाए। अब इसके ऊपर हम घड़ा रख देंगे। ये देखिए, घड़ा हमने रख दिया। अब घड़ा तो हमारा अंदर से धुल चुका है, अब इसमें हम आरओ का पानी डाल देंगे।
अब देखिए इसमें हम आरओ का पानी पीते हैं इसलिए हम आरओ का डाल रहे हैं। आप कोई भी पानी जोन सा आप पीते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। इस तरह पूरा घड़ा भर दीजिए। घड़ा भरने के बाद इसको ऊपर से किसी भी प्लेट बाउल किसी से भी पूरे अच्छे से ढक दीजिए। अब हमने देखिए ये कॉटन का कपड़ा लिया है, कॉटन का ही आप कपड़ा लीजिए। आप चाहे तौलिया ले लीजिए या पुराना कोई भी कॉटन का कपड़ा घर में पड़ा हो आप इसको ले लीजिए और अच्छे से गीला करके निचोड़ लीजिए। ये देखिए हमने इस कपड़े को गीला करके अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इस कपड़े को हम क्या करेंगे, इसके आसपास पूरे अच्छे से ढक देंगे जिससे कि ये पूरा अंदर से गीला बना रहे, तौलिया और पानी ठंडा हो जाए। और जब भी आपको लगे कि ये कपड़ा सूख रहा है तो आप दोबारा ये प्रोसेस कर सकते हैं कि कपड़ा निकाल के दोबारा गीला करके आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें पानी का छींटा मार सकते हैं जिससे कि 3 से 4 घंटे में ही हमारे घड़े का पानी एकदम फ्रिज से भी ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा। और आप घड़े में क्या करिएगा, नल वाला घड़ा लीजिएगा जिससे कि हमको अंदर हाथ नहीं डालना पड़ेगा, नल से ही पानी निकल आएगा ठंडा। बिल्कुल भी बहुत टेस्टी लगेगा पानी इसका मीठा, और साथ में इसकी में जो हमने गुलाब जल डाला है उसकी सुगंध भी आएगी। और इस तरह अगर आपको पानी ठंडा अच्छा लगे तो आप हमको बताइएगा ज़रूर। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।